हेलो एवरीवन, मैं हूँ डॉक्टर माधुरी अनंतवा, डर्मेटोलॉजिस्ट एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट प्रैक्टिसिंग इन नागपुर। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ केमिकल पील के बारे में। केमिकल पील ये एक प्रकार की प्रोसीजर रहती है जिसमें डॉक्टर आपकी स्किन के अनुसार या फिर आपकी प्रॉब्लम के अनुसार आपकी त्वचा पर एक केमिकल लगाते हैं, जिसके कारण अगले 7 डेज में आपकी स्किन पील ऑफ होती है और नीचे से न्यू स्किन बनती है। केमिकल पील्स ये कई प्रकार के होते हैं, इसलिए इसके इंडिकेशंस भी कई सारे हैं, पर सबसे कॉमनली इस्तेमाल ज़्यादा होता है एक्नी या पिंपल प्रोन स्किन के लिए और डल या टैन लुकिंग स्किन के लिए। इसके अलावा ये इस्तेमाल किया जाता है अनइवन स्किन टोन इम्प्रूव करने के लिए, बांग कम करने के लिए, छाइया या रिंकल्स कम करने के लिए, पोस्ट एक्ने पिगमेंटेशन मतलब पिंपल जाने के बाद रहने वाले जो डार्क है वो कम करने के लिए। आपने कभी बच्चों की स्किन देखी होगी तो वो ज़्यादा फ्रेश या ग्लोइंग लगती हैं, और जैसे जैसे उम्र बढ़ते जाती है स्किन डल, टैन या लाइफलेस लगने लगती है। इसका कारण ये रहता है छोटे बच्चों में सेल टर्नओवर, मतलब आपकी स्किन नीचे से बनती है और ऊपर जाके ऊपर की स्किन रिप्लेस हो जाती है, वापस से नीचे की स्किन बनने लगती है। ये सेल टर्नओवर जो रहता है वो बच्चों की स्किन में ज़्यादा फास्ट या ज़्यादा रहता है, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है बड़ों में यही स्किन सेल टर्नओवर कम या धीरे होने लगता है, जिसके कारण ऊपर की त्वचा बहुत डेड सेल लेयर जमा हो जाती है और वो डल या अनइवन लुक या टैन लुक देती है। केमिकल पील ये ऊपर की डल या टैन डेड सेल लेयर जो रहती है उसको रिमूव करता है, जिसके कारण नीचे आपकी बेसल लेयर पे एक सिग्नल जाता है और वहाँ से न्यू या फ्रेश स्किन उस लेयर को रिप्लेस करती है। पूरा असर दिखने के लिए हम रिकमेंड करते हैं केमिकल पील्स के एटलीस्ट 3-4 सिटिंग एट द कैप ऑफ 15 डेज या 3 वीक्स, बट ये डिपेंड करता है कि आपकी स्किन कितनी डैमेज है, आपको कितनी सेटिंग की ज़रूरत है, या डॉक्टर आपको कंसल्ट करने के बाद में एग्जैक्टली बता सकते हैं कि आपको कितनी सेटिंग की ज़रूरत पड़ सकती है। बहुत बार पेशेंट पूछते हैं, मैम अभी असर तो आ गया, स्किन अच्छी होगी, पर ये असर टिक के रहेगा क्या? देखिए, केमिकल पील से हम आपके ऊपर की डैमेज लेयर निकाल रहे हैं, आपका सेल टर्नओवर बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब हमेशा ऊपर की स्किन आपकी फ्रेश रहने वाली है ऐसा नहीं, हमेशा के लिए आपका सेल टर्नओवर हम एक्सेलरेट नहीं कर सकते। तो उसके लिए आपका असर टिका रहने के लिए हम आपको कुछ मेंटेनेंस क्रीम सजेस्ट करते हैं। अदर देन दैट, सन प्रोटेक्शन इज़ मस्ट इन पोस्ट पील पीरियड, और क्योंकि धूप जो है ये मेजर कारण रहती है आपकी ऊपर की त्वचा को डल या टैन करने के लिए, तो सन प्रोटेक्शन इज़ मस्ट आफ्टर केमिकल पील। और उसके अलावा मेंटेनेंस भी आप केमिकल पील यूज़ कर सकते हैं। जिनकी कम टैन होती है या जिनकी जल्दी टैन नहीं होती है स्किन, उन लोगों के लिए साल में एक बार या 6 महीने में एक बार केमिकल पील करते रहना बेनिफिशियल रहता है। तो कभी कभी कुछ लोगों की स्किन ऐसी रहती है कि बहुत कम धूप से भी जल्दी टैन हो जाती है, उन लोगों के लिए जनरली मैं सजेस्ट करती हूँ 1 मंथ या 2 महीने में एक बार केमिकल पील कराना। साइड इफ़ेक्ट एज सच केमिकल पील के कुछ भी नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा सा रेडनेस आपको हो सकता है जो 1-2 घंटे रहेगा, या कुछ पील ऐसे रहते हैं जिसमें अगले 6-7 दिनों में जो पीलिंग होती है वो दिख के आती है, पर ये हर एक केमिकल पील में नहीं होता, कुछ पील में पीलिंग दिख के आती है। पीलिंग दिख के आती है मतलब कुछ एरिया आपके बहुत ज़्यादा ड्राई लगते हैं जो आफ्टर 7 डेज पीलिंग होना स्टॉप हो जाता है, बट इस आपके चेहरे पे कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो इसके लिए मैं सजेस्ट करूँगी कि हमेशा केमिकल पील एक क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट से कराइए, जिसको आपकी स्किन के बारे में और केमिकल्स के बारे में पूरी जानकारी रहती है। इसके अलावा आपको कोई केमिकल पील्स के बारे में जानकारी चाहिए हो या और कोई भी स्किन के प्रोसीजर के बारे में जानकारी चाहिए हो तो आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं या फिर मेरे फेसबुक पेज पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।